दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप पुष्प प्रकाश तिवारी जी को जान चुके होंगे, उनका एक पहले वीडियो आ चुका है जो मैसेज के माध्यम से उन्होंने भेजा था, पत्र लिखकर मुझे दिया था। उस पत्र को मैंने पढ़ा था और उस पर वीडियो बनाया था। उन्होंने उस तंत्र विद्या को सीखने के बाद में आगे जो अनुभव उनके और रहे हैं, जिनके से उन्होंने कई लोगों का भला भी किया है, उसी संबंध में वो एक कहानी जो है सुना रहे हैं। और एक बार फिर से उन्होंने अपना पत्र लिख करके मुझे प्रेषित किया है और मैं उनके शब्दों में पढ़ूंगा कि क्या उनकी आप बीती रही, किस प्रकार से उन्होंने तांत्रिक क्रियाओं को सीखा और साथ ही साथ कैसे दूसरे लोगों की मदद की और आज भी वो इस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन्हीं के शब्दों में। सेवा में धर्म रहस्य चैनल को प्रेषित अनुभव, शीर्षक है इनका, तांत्रिक क्रियाओं की वापसी करने पर होते हैं भयंकर परिणाम। सर्वप्रथम भाई साहब को प्रणाम, साथ ही धर्म रहस्य चैनल के सभी दर्शकों एवं साधना करने वाले मेरे मित्र भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है, मैं जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी की पोस्टिंग किशनपुर पावर हाउस में थी, जहाँ पर वह करीब 15 साल तक रहे। वहीं पर मैंने अपनी ज़्यादातर साधनाएं संपन्न की। मैं उसी जगह का वहीं का 2007 की एक सत्य आप बीती घटना का उल्लेख कर रहा हूँ। जुलाई महीने में मेरे एक मित्र द्वारा किशनपुर के रहने वाले, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, के घर की परेशानी के विषय में मुझे बताया। मैं उनके साथ सुबह उनसे मिलने उनकी दुकान पर गया और उन्होंने अपने घर की परेशानी के विषय में बताया कि घर पर लगभग सभी लोग परेशान रहते हैं और मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, जिसका बहुत इलाज कराया और मेडिकल टेस्ट कराने पर भी हर चीज़ लगभग नॉर्मल ही निकलती है और झाड़ फूँक भी बड़ी दूर दूर से लेकर हम लोगों ने कराया पर कोई भी पूर्ण समाधान नहीं निकल सका है। मैं पत्नी को लेकर मखदूम शाह बाबा जी की मज़ार पे भी गया और तकरीबन 20 दिन लगातार हम वहीं पर रहे। वहाँ पर वो ठीक रही थी पर घर आकर फिर से, यानी दूसरे दिन से ही फिर से वैसी ही होने लगी। और फिर थक कर वे पत्नी को लेकर के एक बार बालाजी मंदिर भी राजस्थान जहाँ पर स्थित है वहाँ गए और 40 आरती वहीं रहकर उसे दिखाई और वहाँ हाजिरी भी होती थी और बयान भी बहुत सारे हुए, लेकिन पूर्ण लाभ वहाँ से भी हमको नहीं मिल सका। उन्होंने मुझसे कहा एक बार आप भी देख लें, शायद कुछ हो सके। और वहीं दुकान पर बैठकर मैंने जानकारी की तो ऐसा समझ में आया कि भयंकर मशानी क्रिया इन पर की गई है और मैंने उनको बताया कि सारे घर में इस चीज़ का प्रभाव है और पत्नी पर इसकी हाजिरी है और काफ़ी समय पहले से ये बराबर जो है ये मारण क्रिया, ये भयंकर मशानी क्रिया जो है वो चलाई जा रही है। मैंने कहा आप मुझे घर दिखाओ। हम लोग उनके साथ बाजार से थोड़ा सामान लेकर घर पहुंच गए और डेहरी पर घुसते ही मैंने माता का आवाहन करने के साथ साथ मुवक्किल सिद्धि से घर को बंद करवा दिया और उन्हें सामने बुलाकर बैठने के लिए कहा और कहा जो भी प्रभाव प्रेत या किया कराया हो वो सब बताएं और अपने विषय में जानकारी दें। और जब थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने एक तसले में आग जलाकर लाने को कहा और आग सामने रखकर जैसे ही सरसों का प्रयोग किया, यानी सरसों वाले प्रभाव नाशक मंत्र से अभिमंत्रित कर जैसे ही आग में डाला, वैसे ही हम लोग जल रहे हैं, मुझे मत जलाओ, वह चिल्लाते हुए बोलने लगी। मैंने आहुतियाँ रोक दी और बताने को कहा तो वह क्रम से बताने लगी कि उन व्यक्ति की शादी के समय मुझे शमशान घाट से उठाकर मरी के साथ मुझे यहाँ पर भेजा गया था
क्योंकि शादी में इनके लड़के को दहेज में बहुत सामान दिया गया और हमारे में नहीं मिला। इस आपसी द्वेष के कारण ही हमको भेजा गया और इसके पहले हम दीवार में सांप बनकर घर के एक लड़के को काट भी चुके हैं और इस औरत को लेने के लिए हम बार बार अलग अलग क्षतियों के साथ आते हैं और हमें भेजा जाता है। हम इसे ले ही जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। मैं मसान हूँ और मारण क्रिया द्वारा हमें भेजा जाता है। मैंने बची सरसों को आग में डाला। ये चिल्लाती हुई बेहोश हो गई और थोड़ी देर बाद जब उठी तो ठीक थी और ऐसा मैंने लगभग 15 बार क्रियाओं को किया जिससे वो ख़त्म हुई और फिर घर बंधन क्रिया से मकान को क्लियर कर दिया क्योंकि तांत्रिक काफ़ी शक्तिशाली था और बार बार लगातार प्रयोग करता ही जा रहा था और उक्त व्यक्ति को करने वाले के घर भेजकर पुरानी चीज़ों को भूलकर क्रिया बंद करने को मैंने कहलाया कि उस तांत्रिक को जाकर के आप कह लीजिए कि इस तरह की चीज़ें वो ना करें, जिसके बाद वो फिर भी बाज नहीं आया और उसने वो प्रिया फिर से की। अमावस्या की रात में उसने 10 बजे खप्पर मूठ विद्या का प्रयोग किया था, जिस प्रयोग को इनके पूरे घर ने देखा कि एक प्रकाश का गोला घूमते हुए चारों तरफ घर के घूम रहा है और अंदर आने का बराबर प्रयास कर रहा है पर अंदर नहीं घुस पा रहा है और इसमें लाल रोशनी के साथ सनसनाहट की आवाज़ भी आ रही थी जिसकी तरफ हम लोग देख भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन पर सूचना देकर बताया। मैंने कहा मैं जानता हूँ और परेशान होने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद यह चीज़ चली जाएगी, केवल घर से बाहर मत निकलना, मैंने कहा। और वह रात्रि में वापस चली गई और वह क्रिया करने वाले की बहू घर में ख़त्म हो गई जिसने वो विक्रिया की थी और इसके 4 महीने बाद तांत्रिक ने फिर से मारण क्रिया भेजी और वह भी वापस लौटकर उसी को कहते हैं ख़त्म कर दी। तब से आज तक कोई भी इस तरह की परेशानी नहीं हुई है, पूरा परिवार खुशहाल है। ये मेरा स्वयं का साधना लाइन का छोटा सा अनुभव है। एक बार से सभी साधक मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद। भाई साहब आपसे अनुरोध है कि आप उक्त व्यक्ति जी का नाम गुप्त रखिएगा और मेरा नंबर भी किसी को मत दीजिएगा। प्रणाम, आगे फिर मुलाकात होगी एक अपने सत्य अनुभव के साथ। धन्यवाद, पुष्प प्रकाश तिवारी। तो ये था पुष्प प्रकाश तिवारी जी का तांत्रिक अनुभव और इसमें जिस तांत्रिक ने मारण क्रिया का प्रयोग किया पहले उसी पर वो शक्ति उल्टा प्रयोग हो गई और उसकी पहले बहू ख़त्म हुई, फिर जब दोबारा उसने फिर प्रयोग से प्रयोग किया तो वो शक्ति वापस जा कर के उसी को ही ख़त्म कर दी। इसीलिए इनको इस तरह का इन्होंने टाइटल रखा था कि जो है तांत्रिक क्रियाओं में जब वापसी होती है तो बड़ा ही नुकसान हो जाता है। तो अगर आपको ये जानकारी और इनकी अनुभव पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।